भाई ये चीज ना कुछ लगती है जब ये रोड पे चलती है। भाई आज हम लाए हैं आप सबके लिए इनोवा क्रिस्टा व्हाइट कलर की, और भाई सामने देखो फ्रेम में कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी। तो आज हम मिलने वाले हैं इस गाड़ी के ओनर से, भाई हमारे साथ ही पढ़ता है हमारे स्कूल में, केवल नाम है भाई का। कैसे भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस बढ़िया भाई, और मजा आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ भाई, कब ली थी गाड़ी? भाई गाड़ी 2016 के लास्ट मंथ दिसंबर में ली थी। कितने की पड़ी थी उस टाइम? भाई 23 लाख की गाड़ी थी। कौन सा वेरिएंट है? मिडल वेरिएंट है। मिड वेरिएंट है, 23 लाख रुपए में। अब तो शायद बढ़ गया ना प्राइस इसका? अब भाई 25 लाख रुपए का मिडल वेरिएंट है। भाई ब्लैक कलर भी तो ऑप्शन था, ग्रे कलर भी ऑप्शन था, व्हाइट क्यों? भाई हमने गाड़ी उसी दिन ली थी। अच्छा, जैसे 23 लाख की गाड़ी थी और हमने 50,000 रुपए ऊपर देके उसी दिन हमने गाड़ी ली। अच्छा, टोयोटा वाले 50 ऊपर लेते हैं? हाँ जी भाई, उसी दिन मतलब मिल गई। हाँ, तो आपने 50,000 ऊपर दिए थे। ठीक है भाई, कोई गाड़ी ट्राई करी थी उस टाइम? भाई उस टाइम हमारे पे ऑप्शन भी नहीं थे, क्योंकि अब तो देखो XUV 700 घर में। और कौन कौन सी गाड़ी ऑन करते हैं भाई आप? भाई नेक्सॉन, क्रेटा, सिलेरियो। कौन सी क्लास में? 9th में भाई। भाई चलाता भी बहुत बढ़िया गाड़ी यार 9th में, अभी 8th से चला रहे हो ना? इसमें टोयोटा का लोगो मिल जाता है, ये ब्लैक कलर की आगे ग्रिल आ गई। भाई ये हेलोजन लाइटें हैं, एलईडी हैं? हेलोजन है भाई। हेलोजन कैसा थ्रो है इनका? बहुत ही बढ़िया भाई, गाड़ी हमने एज इट इज स्टॉक रखी है, कुछ बाहर से काम नहीं कराया। एज इट इज जैसी कंपनी से आई थी वैसे ही। भाई गिरते गिरते बचे हैं यहाँ पे, तो भाई मजा आता है गाड़ी चलाने में? भाई बहुत बढ़िया। कितनी बार आके देखी अभी तक? भाई 140 तक लगाई है। आपने 9th क्लास में? हाँ जी। कब से चला रहे हो भाई? 2 साल हो गए। भाई हम तो 7 बुलेट चलाना सीखे थे यार, जनरेशन ऐसी आ गई है। बाकी सारी भी चलाते हो? हाँ जी भाई। पर भाई एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, भाई ये जो गाड़ी हर एंगल पे लगी पड़ी है इस टाइम, ये देखो ये किसके काम है? भाई ये बम्पर गार्ड लगा हुआ था, ये देखो आप इसका ऊपरी है। वो ये चलती गाड़ी में ना, जब गाड़ी हम राजस्थान हाईवे पे थी गाड़ी, हाँ, तो ये ना गिर गया था, ऊपर से डेंट भी मार गया, वो जो बम्पर गार्ड था वो गिर भी गया था। भाई बहुत डेंट मार गया यार ये तो। बाकी आज से कहीं लगी है? कोई और मतलब नेक्सॉन वगैरह वो तो नहीं लिया आपने अभी? भाई कब लिया? अभी रिव्यू करवा देंगे भाई। चलो भाई थैंक यू सो मच। कहाँ से ली थी ये? भाई ये हमने ली थी हल्द्वानी से, कमर्शियल टोयोटा से। कमर्शियल टोयोटा 50,000 खा गए वो? हाँ जी भाई। ये टोयोटा भी चल रहा है यार, हुंडई का तो सुना था यार। भाई मेरे दोस्त ने फॉर्च्यूनर लिया, 1.5 लाख रुपए की एक्सेसरीज लगवाई है ऊपर उसी दिन गाड़ी। हाँ एक्सेसरीज वाला तो मैंने सुना है, एक्सेसरीज लगा के ज्यादा दे। नेक्सॉन में एक्सेसरीज लगवाई थी भाई उसी दिन लेने के लिए। कोई गाड़ी के लिए वेट नहीं करते मतलब आप? ना भाई। हैंड टू हैंड चाहिए थी। तो ये पेट्रोल है डीजल है? डीजल है भाई। भाई जिसको नहीं पता, आप तो डीजल वैसे डिसकंटिन्यू हो गई है भाई, सोचा इसको अपग्रेड करके नहीं लेने का? भाई सोचा था पर डीजल इंजन डिसकंटिन्यू हो गया। डिसकंटिन्यू हो गया वो, पेट्रोल आ रही है सुनने में आगे, अगर फेसलिफ्ट आया नया मॉडल आएगा तो डीजल में आएगा वो। पर अभी ये टोयोटा चाह रही है कि साल मारुति के साथ कोलैब हुआ है तो स्मार्ट हाइब्रिड लाने की सोच रही है इसमें। हाँ हाँ ये तो सबको ही पता है। तो भाई ये बताओ, टोयोटा ने जो मारुति के साथ कोलैब करा है, नई नई गाड़ियाँ जो आ रही हैं ग्लैंसा वगैरह, सही लगती हैं वो? ना भाई बिल्कुल भी नहीं, टोयोटा अपनी लेगेसी मेंटेन रखता तो ज़्यादा बढ़िया था। अच्छा, इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर अपने में ही किंग रही है इसकी, और ग्लैंसा वगैरह लाने के बाद टोयोटा बिल्कुल अब सही काम नहीं कर रहा है हाइब्रिड वगैरह में आने के बाद। डीजल इंजन बेस्ट है टोयोटा का, पेट्रोल मिलाने का कोई फायदा नहीं है। एक बात बताओ, इतने शौकीन आप, इतनी आप मतलब गाड़ियां जने दो चलाने वाले, एक आपके पापा और आप सिर्फ, और कोई है नहीं, ये तीसरा ये है, दोस्तों को भी चलवाते हो। एक बात बताओ, फॉर्च्यूनर लाने का नहीं सोची? अब लेनी है मतलब आगे लेजेंडर वगैरह आई है? पहले भाई फॉर्च्यूनर भी ऑन करी हुई है। अच्छा, अभी अभी सेल आउट की थी फॉर्च्यूनर, उसके बाद ये ली थी इनोवा। फॉर्च्यूनर भी नई वाली है, पहले वाला मॉडल था? ओल्ड शेप थी, 15 मॉडल थी भाई। वो तो 3 लीटर का इंजन था, 2.4, तो फर्क लगा पिकअप वगैरह में कुछ? भाई कुछ फर्क नहीं, टोयोटा अपने इंजन के नाम से, भाई को टोयोटा से ज्यादा उसके इंजन से प्यार है, मैंने देखा है। फीचर फूचर का कोई कुछ नहीं है? चलाने मतलब कहीं भी क्रूज करना हो हाईवे पे यही लेके जाते हो हमेशा? ना भाई ये गाड़ी नंबर वन है, हाईवे किंग है, मतलब नई गाड़ियां ऐसी पड़ी हुई हैं। जब ये जाना हो यही जाएगी, कई बार गाड़ी। चलो केवल भाई अंदर चल के बात, टायर बदलवाए हैं इसके अभी तक? भाई वही प्रोफाइल लगाई है जो आई थी पहले से। हां भाई वही प्रोफाइल लगाई है। तो भाई इसमें प्रोफाइल मिलती है आपको 215/65R16 इंच का अलॉय व्हील आता है। हां जी भाई, हीट हो जाता होगा ये तो हाईवे पे बहुत ज्यादा।
कोई दिक्कत आई है टायरों में? आज तक पूरी गाड़ी में कोई दिक्कत, लाइट और इंजन किसी में दिक्कत नहीं आई है? गाड़ी में किसी चीज की दिक्कत नहीं आई भाई। ये लो भाई, जो जो एक्सयूवी साथ ले रहा भाई, आधे तो रो रहे हैं इस टाइम, कोई भी क्या फॉल्ट आ जाता है। चाइनीज माल लोग बना रहे हैं, चाइनीज तो नहीं है भाई, इंडियन ही है वो। ये कहते हैं कि एक मिनट मेरी बात सुनो, अब ये चाह रहे हैं कि 28 लाख में मर्सिडीज की फील दे दें, ये कैसे दे देंगे? मर्सिडीज अपने आप में कोई चीज है, 28 लाख में दे देंगे ये लोग उसका फील? भाई सब कुछ फीचर नहीं होता, कंपनी वाले ठीक तक नहीं कर पा रहे हैं गाड़ी को, ठीक तो नहीं कर पा रहे हैं, किसी की डिस्प्ले उड़े जा रही है टाइम से। गलती टाटा ने भी बहुत बड़ी की है, ईवी निकाल ली है, उनके सेल्समैन को वही नहीं पता ईवी होता क्या है, अच्छा सर्विस ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा आप गए थे शोरूम? हाँ भाई, हमने जब टाटा की जब नेक्सॉन ली थी, हमने ईवी के लिए पता किया था, पर उन्हें कुछ पता ही नहीं था ईवी के बारे में। अच्छा मतलब भाई चाहिए टोयोटा ही घर में? हाँ भाई, और डीजल पेट्रोल गाड़ी, ये जो गाड़ियाँ है ना, ये अपने आप में बादशाह मानी जाती है इन चीजों की, इन चीजों का इनको बादशाह कहा जाता है। ये तो आज तक ये ग्लैंजा पता नहीं कैसी कैसी गाड़ी निकल रही है, ना उनमें दम है ना कुछ है, इन्हें भले ही आप दीवार में मार के देख लो कुछ भी। भाई चलो अंदर से देखते हैं गाड़ी, भाई की बात तो बिल्कुल सॉलिड है, कोई भी कह लो कुछ भी कह लो, मजा गाड़ी डीजल चलाने में आता है। हमने डीजल तो भाई हमने भी आज तक पेट्रोल नहीं रखी कभी भी, एक से एक गाड़ी चलाई है भाई हमने, लेकिन जो इसका फील है ना वो किसी गाड़ी का नहीं। आ जाओ अंदर, आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ भाई, ये कॉमेडी वाले किंग बैठे हुए हैं। मैं अब गाड़ी में बैठ चुका भाई, अंदर बैठ के क्या फील आ रहा है इसमें, ऊंचा ऊंचा बोनट और ये भाई, क्या भाई मजा तो आता होगा चलाने में यार। भाई बहुत भाई लकी फील नहीं करते, 9th क्लास में ही इनोवा क्रिस्टा भाई, कॉलेज में क्या मिलेगा फिर? तब तक कॉलेज में तो भाई को सिर्फ BMW मिलेगी, जिस X7 थार या फॉर्च्यूनर का बेटा, बस वो भी जल्दी आएगी भाई। सही है यार भाई, ऐसी लाइफ ही होनी चाहिए। पढ़ाई पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? वो नहीं कर रहे भाई। तो भाई फिर मैथ में 88 में से 19 ये पढ़ाई कर रहे हैं भाई। ओ भाई गाड़ी में बैठा हूँ, सबसे पहले तो भाई इसको करके दिखाता हूँ स्टार्ट, और इसकी गाड़ी की चाबी देना भाई एक बार। नहीं है भाई मेरे पास, तेरे पास ये पड़ी भाई, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ भाई। मेरा मुझे पता है मेरा ध्यान सबसे पहले किस चीज पे जाने वाला है, क्लच दबाना पड़ेगा। अरे आवाज तो भाई बड़ी है भाई। अरे भाई मजा फील कैसे आएगी भाई? बस जो भी कहो, टोयोटा का एक चीज में सुधार नहीं है हर चीज में, ये जो स्टार्ट होने के बाद। मैंने ना आज तक टोयोटा की सिर्फ वो चलाई है, छोटी वाली ETO जो आती है, ये तो अभी चला के देखी। भाई एक बात बोलूं, जब तक ये नहीं, इसकी बात ही कर रहा हूँ, तब तक फील नहीं आएगी गाड़ी में, ये बात टोयोटा चला रहे हो आप भाई। कितनी वाइब्रेशन है यार इसमें तो भाई, इतना बड़ा इंजन दे दिया नया आईफोन आने के बाद, ये देखो हाल इसका। हाँ तो भाई बहुत वाइब्रेट हो रहा है यार, तो भाई फील कैसे आएगी? मेरा तो हाथ ही गिले जा रहा है। ये एक चीज बताओ, ये बाहर से लगवाई थी? हाँ भाई वो खाली आया था। हाँ नहीं आया था, पर वो छोटा था स्टीरियो, उसमें ये स्क्रीन वाला सिस्टम नहीं था। उस टाइम टॉप मॉडल में बहुत बेकार से लगा हुआ यार, उस टाइम भाई टॉप मॉडल में स्क्रीन आती थी सिर्फ 2016 में। एसी भी ऐसी है, एसी कैसे कैसे चलने कैसे भाई? नंबर आप चला के देखो, अभी 2 मिनट में गाड़ी ठंडी हो जाएगी। एसी मैंने बड़ी तारीफ सुनी है इसकी भाई, मैं पुराने मॉडल में बैठा था अभी थोड़े दिन पहले, जमा दिया था उसने तो यार। भाई मैं चला के रखो, 2 मिनट गाड़ी ठंडी हो तो बात करो आप। सही है भाई, कितनी चला दी है? 74,000 किलोमीटर भाई, आवाज ही इसकी तो आवाज से ही प्यार है लोगों को। केवल भाई एक बात बताओ, हाँ भाई, भाई अंदर से गाड़ी मेंटेन नहीं है, मतलब स्क्रैच वगैरह बहुत है अंदर, और बाहर भी बहुत है, पर अंदर भी जैसे हैं, इतनी गाड़ी होने के बाद भाई करेंगे जाती मेंटेन फिर? भाई ये हमारे दो, हमने एक धुलने वाला रखवाया हुआ है सुबह, वो भाई बाहर से धो के चले जाता है, अंदर से करता नहीं है, अंदर से 3 दिन में जाती है, हर 3 दिन में वॉश हो जाती है। अच्छा मतलब यहाँ पे जैसे काफी टाइप के वो लगे हुए, राजस्थान से आई है तो आपको ऐसा लग रही है वॉशिंग हो जाएगी, तुरंत धुल के आ जाएगी। अच्छा भाई गाड़ी हो, एयर बैग मिलते हैं आपको इसमें भाई? 6 एयर बैग आते हैं, 6 एयर बैग मतलब सेफ्टी फुल है गाड़ी में भाई। पीछे भी यहाँ पे ऐसे ऐसे दे रखे हैं समीर भाई, है हवा भाई, क्रेटा में पीछे वाले दे रखे होते हैं, वो तो बेकार होता भाई, उनमें हवा ही नहीं है, उनमें ये नीचे सिर्फ एक दिया हुआ है, इसमें तो पूरा हर जगह दिया हुआ है इस गाड़ी में। सनरूफ से क्या करेंगे इसमें भाई? पीछे भी ए सी क्या होता है भाई, टोयोटा के लिए कुछ नहीं भाई, ये यहाँ एसी दे रखे हैं। मैंने एक चीज देखी केवल को, भाई को गाड़ी से ज्यादा भाई टोयोटा से प्यार है, बस ये बस साइंस से बहुत प्यार है भाई को हमारे, मतलब कोई फीचर नहीं भाई, नॉर्मल आदमी है, इतने पैसे होने के बाद भी भाई को कोई फीचर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस इस गाड़ी का प्यार लगता है इनको, इनके स्टीरियो से इनको बहुत प्यार है। वो भी एक यंगस्टर वाली उम्र में तो भाई लोगों को चाहिए होते हैं फीचर, भाई फीचर चाहिए होते हैं लोगों को। सुनो फीचर से क्या करेंगे, नेक्सॉन खड़ी है घर में, क्रेटा खड़ी है घर में, क्या फायदा है भाई, जब वो चलानी चला लेंगे, फीचर्स ही फीचर्स हैं उनमें। जब भाई चलाने का फील चाहिए तो इनोवा ही भाई। कॉलेज में बीमर ना भाई, थार फॉर्च्यूनर ही आएगी तब तो, फॉर्च्यूनर तब तो फॉर्च्यूनर भाई डेवलप हो जाएगी। बस ये है, इन्होंने जो 50 लाख रुपए में एक स्टीरियो दिया हुआ है,
वो तो डब्बा कह रहे हैं सारे यार, सब डब्बा कह रहे हैं। बस वो है कि ना मैं गैंगस्टर है, वो लोग लेते हैं उसको फूंक के। एक बात याद रखना, रो भी अलग होता है गाड़ी का, जब गाड़ी निकलती है लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं उस गाड़ी को। एक बात याद रखना, आप स्कॉर्पियो लेके निकल लो, थार लेके निकल लो, इनोवा क्रिस्टा लेके निकल लो, कोई सी भी गाड़ी लेके निकल लो, एक सड़क पे फॉर्च्यूनर चलेगी ना, लोग फॉर्च्यूनर को देखेंगे, उन गाड़ी की तरफ देखेंगे भी नहीं। भाई एसी तो बहुत बढ़िया यार इसका। यार अभी दो मिनट हुए नहीं बैठे हुए भाई, क्या एक तो फील बहुत प्यारी है, स्टीयरिंग हैवी है तो दिक्कत नहीं होती ना भाई। मैं सुना मार्केट में लोगों के हाथ तक दे चलाते चलाते जाम में। भाई इतना बड़ा इंजन इसलिए तो दे रखा है भाई, कोई एक आधा फीचर तो बता दो, मतलब जैसे मोड्स वगैरह दे रखे हैं तो भाई। भाई इको मोड, पावर मोड, इको में एवरेज कितनी देती है? आराम से भाई 13-14 की निकाल। और वैसे कितनी निकाल रहे हो आप इसमें, दे रखी होगी एवरेज? कहाँ पर है ट्रिप, कहाँ पर है? और ये भी भाई ये मैनुअल वाली आती है भाई, उस टाइम ना इतना वर्थ नहीं था इतने पैसे फूकना टॉप मॉडल। यार दिखा शो नहीं कर रहा भाई ये तो एवरेज। हाँ वर्थ तो अभी भी नहीं है शायद, 30-32 लाख के हो गए। देखो भाई एक बात बताऊँ मैं आपको, 50 लाख रुपए खर्च करना कोई तुक नहीं बनता। 50 नहीं भाई, इनोवा क्रिस्टा टॉप मॉडल की बात कर रहे हैं। इनोवा क्रिस्टा टॉप मॉडल तो वो भी 30-33 लाख का हुआ था भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने टॉप मॉडल पता किया था उस टाइम तो 28 लाख रुपए का, अब तो 32 हो गया। 32 या 33 का है, कल आने में 35 का हो जाएगा। लेकिन लोग जो जिनको शौक है भाई वो तो लेंगे, चाहे 33 का हो चाहे साला। फॉर्च्यूनर 53 की हो गई है, लोग अभी भी भाई 6-6 महीने की बुकिंग आ रही है उस पे। अब जब बंद हुआ ना टोयोटा का ये डीजल इंजन, टॉप मॉडल 32 लाख रुपए का आ रहा था, और अब टोयोटा ने एक काम और किया है, तो फॉर्च्यूनर आ रही है 4x4 की बुकिंग लेनी बंद कर दी है, प्रोडक्शन ही नहीं है इतना कंपनी का। अच्छा भाई, हाँ भाई वैसे ये क्या है, एक तो एसी बहुत बढ़िया भाई, चार्जिंग अच्छी कर देता है। लाइटें बताओ, लाइटें आगे कैसी है, मजा आता है भाई? A1 लाइटें। अभी आप रात को आओगे तो आपको रात को लाइटों का भी इसका दिखाएंगे। एक्स्ट्रा फॉग लैंप भी दे रखे हैं गाड़ी में, क्योंकि लाइट की जरूरत हो तो यहाँ से आप दबा दो। बाकी पावर मोड में कैसी पावर मिल जाती है, मतलब भाई पागल हो जाती होगी गाड़ी, पागल हो जाती होगी। हाइपर मैंने देखा ये है फैमिली कार, पर पावर बहुत है भाई, सारे यूज में काम आ जाती है भाई गाड़ी, बहुत है स्पेस, बहुत भी भाई गाड़ी में बहुत है, पीछे कम्फर्टेबल बैठे हुए भाई। मैंने सुना है फॉर्च्यूनर के पीछे वाली सीट कंफर्टेबल नहीं है भाई। देखो एक बात बताऊं, आपने भी तो फॉर्च्यूनर ऑन कर रखी है, बताओ कुछ। हाँ भाई देखो, हमारे पास फॉर्च्यूनर है 2011 मॉडल, वो गाड़ी का इंजन है 3000 लीटर का। अभी मैं उसे अपना घुमाने लेके गया था, 3 लीटर का। हाँ 3 लीटर का इंजन है उस गाड़ी का, तो मतलब उसको मैंने अब चलाई ना, तो गाड़ी को चलाने में जो मजा आ रहा था। शेर भाई एक बार इंटरव्यू करूंगा भाई, पीछे बैठ के देखो, आपकी हाइट भी मेरी जितनी है, सही सही है। पीछे वाली सीट बताता हूँ, आप कोई सी भी गाड़ी ले लो, किसी गाड़ी में पीछे वाली सीट में स्पेस नहीं दिखेगा आपको, इसमें दिखेगा। लेकिन इस गाड़ी में आप मतलब अगर किसी आदमी को सर्वाइकल हो, थायराइड हो, उसको इस गाड़ी में बैठ के दिक्कत नहीं आ सकती, और कंफर्टेबल तो है ही भाई। एक बात आपको बताता हूँ, इस गाड़ी में 7 बंदे बिठा रखे हैं, 8 बंदे बिठा रखे। अच्छा, लगेज के साथ? लगेज के साथ, डिग्गी में भी इतना स्पेस बच जाता है कि लगेज भी आ जाए 8 बंदों का। गाड़ी भाई A1 है, ओल्ड से ओल्ड एज वाला आदमी भी इस गाड़ी में कम से कम 500-600 किलोमीटर सफर कर सकते, क्योंकि उसको इस गाड़ी में थकान ही नहीं हो सकती, इतनी प्यारी गाड़ी है उसके लिए, फैमिली के लिए सबसे प्यारी गाड़ी देखो है। 8 बंदे बिठाओगे तो देखो थोड़ा पीछे वाली सीट में कंजेस्टेड होगा, 7 बंदे आराम से इसमें लंबा सफर कर सकते हैं। अब और किसी गाड़ी में, महिंद्रा की अल्ट्रा आई थी उसमें भाई 7 सीटर किस बात की, वो भाई नीचे थोड़ी बैठना जमीन पे भाई, बात अच्छी करता जो भी करता है भाई। मैंने एक चीज देखी केवल भाई, तारीफ है उसमें आपकी, मैंने अब तक बना ली 7-8 रिव्यू बना लिया, नया चैनल खोला मैंने, चैनल बनाया तक नहीं, अभी पहली वीडियो बना रहा हूँ भाई, इतना मजा किसी के साथ करके नहीं आया वीडियो का भाई। ये सबसे छोटा है उनमें से जिन जिन के साथ मैंने वीडियो बनाई है, अपने साथ वाले के साथ भी बनाई है। कितने 15-16 साल उम्र होगी अभी, 15 साल होगी भाई, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भाई ने वीडियो बनाई है ना, हद से ज्यादा नॉलेज रख के। पढ़ाई में भी ठीक है भाई, सर सिर्फ फाड़ देता लोगों का, आजकल स्कूल से भी बड़ी कंप्लेन आ रही है। गैंगस्टर लाइफ भाई की, गैंगस्टर चांटे मारते हैं, गैंगस्टर लाइफ और गैंगस्टर गाड़ी दोनों चल रही है भाई। भाई मजा आ गया सच्ची में भाई, थैंक यू सो मच इतने बढ़िया रिव्यू के लिए, और जल्द से जल्द आगे नेक्स्ट फोन का भी करेंगे, जो नई नई लाते रहोगे। तुमने लानी छोड़नी नहीं, हमने बनानी छोड़नी नहीं है। ओके भाई, का तो शोरूम है, जब मर्जी आओ जब मर्जी बना लेंगे। हाँ ये भाई का भी भाई सेकंड हैंड गाड़ियों का काम है, ये भी रोज नई गाड़ियां चलाते हैं भाई, हम ही रह गए, ये नौवीं में मजे लिए जा रहे हैं भाई। शुक्ल भाई अब कह रहा थोड़ी मतलब चला के देखो क्या वो है हिसाब इसका। एक बार भाई मैं बाहर से आवाज सुना के आता हूँ, वीडियो तो हो गई है, ज्यादा कुछ फीचर है नहीं बताने के लिए, नॉर्मल चीजें यूट्यूब पे सबने दिखाई है भाई। मैं तो एक रिव्यू लेना चाह रहा था इंसान का भाई, इंजन की आवाज देखो भाई क्या सॉलिड है, आवाज बड़ी है भाई इंजन की। 2.4 लीटर का इंजन मिलता है इसमें आपको, पहले 2.8 आता था भाई, 2.8 2018 में आया था। हाँ फिर वो BS6 के बाद शायद डिसकंटिन्यू हो गई वो वाली। ये भाई एक तो हिल भाई, क्लच भी टाइट है यार, गाड़ी टाइट है, तभी तो पता चलेगा टोयोटा। मैट लगवा रखे हैं हमने। अच्छा नीचे
संडे को चलते है ना आप लोग आओगे सुबह पावर मोड फुल भाई ये लगाया हैंड ब्रेक डाउन है भाई सामने गली में चला के देखते फिर भाई ने जाना है एक बार लगाता हूँ पावर मोड सा वैसे यार सेफ तो नहीं है पर फिर लग गया हाँ जी भाई चलो सामने लिखा हुआ है पावर मोड हल्का सा ट्राई करते हैं भाई हमने अरे भाई साहब क्या उठी है ये तो हल्की सी चला के देखिए बस मेरे भाई आप पीछे कैमरा पकड़ो अरे नहीं ये तो 3000 इतने भी उड़ गई भाई अब दूसरा गिर तो रोकेट है भाई पावर मोड पे अभी भी लगी हुई है लगे रहने एक बार अब लगा तो पहला गियर फिर से दिखाता हूँ उस टाइम क्लिप बनी नहीं पीछे बस मेरे भाई ये भाई एक तूफान है जो लोगों को डरा देता है जब ये गाड़ी रोड पे चलती है तो भाई ये तो हाईवे पे पता चलेगा असली वो तो इसका अभी तो छोटी छोटी गलियों में भाई मेरे को सेडान किया था मैं खटवा बजा रहा था इसमें ब्रेकर भाई इसमें ब्रेकर का फील ही नहीं होता कि आप ब्रेकर पे चला रहे हो भाई एक बात बताओ गाड़ी कब ली थी आपने भाई गाड़ी 2016 में ली थी चल दोबारा क्यों नहीं कर रहे भाई तो भाई फिर मैथ में 88 में से 19 ये पढ़ाई कर रहे हैं भाई ओ भाई गाड़ियों के शौकीन बंद कर इसे बंद कर इसे